वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में बन रहे सद्भावना मंडप का निरीक्षण किया। नुमाइश ग्राउंड में 100 करोड़ की लागत से ये सद्भावना मंडप बनाया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री नकवी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां भी बताई। पर्पस कम्युनिटी सेंटर भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम करेगा। हमारे देश की जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, कलाकार हैं, उनको भी यहाँ पर अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। और ये देश का मुझे लगता है कि एक बहुत ही नायाब और बहुत ही मॉडल सद्भावना मंडप होगा, मल्टीपर्पज़ सद्भावना मंडप, जिसमें कि समाज के सभी हिस्सों के लोग अपने अपने, चाहे शादी हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे यहाँ के कौशल विकास के कार्यक्रम हो। और ये जो सबसे बड़ा इसका महत्व तो है, जब हम लोगों ने इस योजना को बनाया था तो उस समय हमने नहीं सोचा था कि डिजास्टर या पैंडेमिक इतनी बड़ी भी आ सकती है।